हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको एक ऐसी इमारत दिखाने वाला हूँ जो कि किसी ने नहीं बनवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन हकीकत यही है, जो कि किसी ने नहीं, जिन्होंने हमारी वीडियो बेकार तो नहीं करी। खैर, तो फटाफट से चलते हैं, यही बताना चाहता था आपको और फटाफट से दिखाते। और वहाँ की मान्यता ये भी है कि वहाँ पर जितने खंभे हैं वो आज तक किसी ने नहीं गिन पाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं गिनूंगा तो कुछ और आएंगे और ये गिनेगा तो कुछ और आएंगे। मतलब ऐसा ही मानना है कि जो भी गिनता सेम नंबर नहीं आता है। तो दोस्तों, आज हम उसी चीज़ को देखने के लिए जा रहे हैं और आपके सामने वो चीज़ रखेंगे, आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों चलते फटाफट से। मेरे साथ मेरा दोस्त है और एक दोस्त मेरा वीडियो शूट कर रहा है, तो चलते हम भी वहाँ पर करके देखते हैं कि हम उन्हें गिन पाते हैं या नहीं। तो गाइस, अभी हम जा रहे थे और रास्ते में हमें एक ऐसी चीज़ दिखी जिसे मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या चीज़ है। तो गाइस, आप ये फूल देख रहे हो और इस फूल में आप ये देख सकते हो, ये छोटे छोटे से जो दाने आपको दिख रहे हैं, इसी में से जो है सरसों आती है और इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा आने में। तो फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुका हूं अभी और अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, ये है इसका मेन एंट्री गेट और इस गेट के ऊपर देख सकते हो जो लाल बलुआ पत्थर है उससे देखो जो इस पर जो नक्काशी करी गई है, देख सकते हो आप लोग इसका डिज़ाइन, ये देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है इस पर। और अब हम चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अंदर ये देख सकते हैं आप लोग, छोटा सा गेट है, यहाँ से ऐसे होके जाना पड़ता है। और ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे मैंने बातचीत करी तो वो लोग बताते हैं कि ये जो है काफ़ी टाइम पुराने की बात, मतलब 500 साल पुराने की बात है। तो दोस्तों वो जो है बताते हैं कि हमारे दादाजी बताते थे और उनके भी दादाजी उनको बताते थे कि ये जो जगह थी पहले, मतलब एक महल टाइप था जो किला होता है उस, मतलब लोकेशन देख सकते हो, ये सामने देख सकते हो जो कि एकदम अभी खंडर हो चुकी हुई है। और इधर देख सकते हो ये एकदम खंडर हो चुकी हुई है। और इसकी जो हिस्ट्री है मैं अभी आपको बताऊँगा, तो अभी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। और वहाँ पर ये देख सकते हो, मतलब ये काफ़ी बड़ी फील्ड है और यहाँ पर बताते हैं कि पहले किला हुआ करता था जो कि अब नहीं है। और ये वाली जो इमारत बताते हैं ये रातों रात खुद से जो है बनी हुई है, किसी को भी नहीं पता कि ये किसने बनवाई है। तो दोस्तों ये जो इमारत है बोलते हैं कि 500 साल जो है, 500 साल से भी ज़्यादा जो है पुरानी है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी जो है मैं इसके पास आपको लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ ये कैसा है अभी। तो दोस्तों देख सकते हो, और वो जो जगह है उसको मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगा। और ये देख सकते हो आप लोग, कुछ ऐसा दिखता है, ये शायद पहले इस पर ऐसा डिज़ाइन होगा जो कि अब नहीं है, काफ़ी पुराना है। ये देख सकते हो आप लोग, इधर देख सकते हो। और अब मैं आपको इसको जो है अंदर से दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो आप लोग, जो है अंदर से देख सकते हो ये जो है बिल्कुल अभी खंडर हो चुका है शायद उन, ये देख सकते हो दोस्तों ये जो जगह है ये तो मतलब बनवाई गई है, और जो जगह मैं आपको दिखा रहा था वो रातों रात खुद से जो है बनी हुई है। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, जो आप देख सकते हो, ये देखो इसके अंदर जो है पेड़ है जो कि, ये देख रहे हो इसके अंदर पेड़ है जो कि ऊपर निकला हुआ है। और ये देख सकते हो आप लोग किस तरीके से इसको बनाया गया होगा, ये देख सकते हो अभी खंडर हो चुका है ये। और ये शायद दिया या जो जलाते हैं दोस्तों, जिसकी मैंने आपको जो जड़ दिखाई थी, ये ऊपर जो है पेड़ है, यही काफ़ी पुरानी जगह है इसलिए शायद इसमें ये पेड़ उग गया। और देख सकते हो, और ये देख सकते हो ये तालाब है दोस्तों, बहुत ही बड़ी लोकेशन है ये, देख सकते हो आप लोग। और बताते कि यहाँ पर जो है पहले किला था। और ये पत्थर देख सकते हो सामने, लाल बलुआ पत्थर है, टूटा हुआ पड़ा हुआ है। तो अभी मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ और वहाँ। तो दोस्तों फाइनली मैं उस जगह पे पहुँच चुका हूँ और बताते हैं कि वो जो कब्र है वो है सदरजान की, और ये वाली जो बताते हैं ये है बदरजान की। और दोस्तों ये देख सकते हो इसका जो डिज़ाइन है, देख सकते हो, ये देख सकते हो सामने उर्दू में लिखा हुआ है, ये देख सकते हो। मुझे तो उर्दू आती नहीं, नहीं तो मैं आपको पढ़ के बता देता। और अभी जो है उस चीज़ को देखते हैं कि जो लोग बताते हैं कि जो ये जो हैं खंभे कितने हैं, इसको कोई सही नहीं गिन पाता कि कितने हैं। तो दोस्तों इसी चीज़ को
तो भाई अभी मेरे ये चारों फ्रेंड्स खड़े हुए हैं और ये जाएंगे इन खम्बे को गिनने जितने भी ये हैं। तो रेडी हो भाई सब लोग? चलो ठीक है भाई, और जूते चप्पल उतार के जाना सब लोग, ठीक है? ठीक है चलो। अब भाई ये लोग जा रहे हैं गिनने के लिए, एक तरफ से मत गिनना सब लोग, अलग अलग तरीके से गिनना, ठीक है? तो भाई अभी सारे लोग जो है सबने गिनना स्टार्ट कर दिया है अपने अपने जगह से। भाई अभी ये आ चुका है गिन के, कितने हुए तुम्हारे? 44। तो अभी भाई बाकी लोग जो है काउंटिंग कर रहे हैं, इसके 44 निकले। भाई अभी ये भी गिन के आ चुका है, कितने हुए तुम्हारे? भाई जी 42 हुए हमारे। 42 तुम्हारे? सर जहाँ तक मेरा गिनती करने का अनुमान ये लगा है, पहले तो मैं अपने नाम बताना चाहता हूँ, अंकित कुमार पाल। अच्छा सर, मैंने जहाँ तक पिलर गिने हैं यहाँ पे 44 हुए। 44 जी। और तुम्हारे? जी मैंने गिने हैं तो 45 आ रहे हैं। अच्छा तो मैं देखो फ्रेंड्स आपको यही बताना चाहूँगा कि इसमें कोई जादू नहीं है, बस ये है कि मुझे ये लगता है कि ये इस टाइप से बने हुए हैं कि लोगों का जो दिमाग है वो कंफ्यूज हो जाता है, इस वजह से जो है काउंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग, ये जो है पहले जो किला था, और ये देख सकते हो सारी जो जगह है वो सब मतलब टूट चुकी है एक तरीके से देख सकते हो। बस इस जगह के अलावा जो कोई भी जगह है वो सही नहीं है, और ये देख सकते हो यहाँ पर जो है कुछ होगा, ये भी टूट चुका है अभी, और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं देख सकते हो, और ये देखो, ये देख सकते हो आप लोग। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया और अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। दोस्तों आप भी अगर इस जगह पे आना चाहते हैं तो ये जगह जो है हरदोई डिस्ट्रिक्ट के पिहानी क्षेत्र में पड़ती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर आप लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिले।